तो गाइस ये आप देख रहे हैं, ये जो है मतलब SSD है कंसिस्टेंट कंपनी का, और ये मतलब जो है 512 GB का SSD है। इसका जो है मतलब 5 साल वारंटी है SSD का। तो इसको लेने का वजह यह था कि मेरा PC मतलब थोड़ा बूट का समय को थोड़ा बढ़ाना था, तो मेरा जो PC है थोड़ा सा लेट लग रहा था बूट होने में, तो इसीलिए मैं इसको मतलब ख़रीदा। तो मेरा कोई मतलब ऐसे कोई USB 3.0 या फिर SATA 6 GPS वाला नहीं है, मेरा मदरबोर्ड तो नॉर्मल 3 GPS वाला ही है। तो अगर आपका पास जो 6 GPS वाला बोर्ड है तो उसमें जो है बूट का टाइमिंग एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और इसमें थोड़ा सा कॉपी पेस्ट भी मतलब थोड़ा स्पीड मिलेगा, लेकिन मेरा नॉर्मल वाला है तो मतलब उतना मतलब मेरे को परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। मेरे को सिर्फ बूट के लिए मतलब मैं करता था। और हाँ एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वीडियो एडिटिंग या रेंडरिंग अगर फास्ट करना है तो उसके लिए आपको मतलब आपका प्रोसेसर और रैम अभी लेटेस्ट जनरेशन का होना चाहिए, जैसे कि राइजन का भी चल रहा है Ryzen 5, वो सब अगर आप लेंगे तो मतलब, या फिर इंटेल का भी कोई 12th जनरेशन का जो प्रोसेसर होता है वो सब अगर आप लेंगे, DDR4 या 5 वाला रैम लगाएंगे तो आपका फास्ट होगा रेंडरिंग में। तो ये ला नॉर्मल गेमिंग के लिए सही रहेगा। अगर आपको कोई पुराना PC है तो आप इसको लगा के अपना PC को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, बस इसका मकसद यही है। तो मतलब लाइट वेट है, मतलब ज़्यादा पावर वावर तो खींचता नहीं है, नॉर्मल आप कोई भी मतलब डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप चाहे तो लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। इससे इसका कनेक्टर आता है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद USB में लगा सकते हैं। तो मतलब इसका वारंटी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि 5 साल का वारंटी दे रहा है, तो मतलब 5 साल तो मतलब काफ़ी लंबा होता है। 512 इसलिए कि मतलब थोड़ा जगह भी हो जाएगा बहुत सारा चीज़ में, मतलब विंडोज़ मतलब डेस्कटॉप में ही मतलब मैं रख देता हूँ, तो इसीलिए मतलब 512 लिया। लुक तो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर है, और आप ये देखिए कुछ इस प्रकार का आता है जो स्टिकर, स्टिकर को आप वो उचारना नहीं है तो वारंटी मतलब निकल जाएगा, कोई वारंटी नहीं मिलेगा। तो अभी मैं इसको मतलब दिखा दूंगा, मेरा जो मदरबोर्ड जो है नॉर्मल वाला मतलब बोर्ड में मतलब ये कितना टाइम लेता है बूट होने में। ये SSD जो है मतलब सबसे कम प्राइस में बोलेगा तो यही कंपनी का आता है, बाकी आप चाहें तो अपना और भी ब्रांड सब आता है, सैमसंग हो गया, किंगस्टन या फिर और कोई भी मतलब आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब मतलब इतना ही रहता है। थोड़ा बहुत का ब्रांड का हिसाब से स्पीड हो सकता है, और अगर ब्रांड अच्छा है तो मतलब कंपनी का वारंटी क्लेम में आसान होगा। मेरा जो है 3,400 पड़ा था। तो चलिए इसको बूट में दिखाता हूँ बूट कितना स्पीड लेता है। तो ये मैं डेस्कटॉप खोल लिया है अभी, मतलब इसको मैं अभी रिस्टार्ट करके दिखा दूँगा, मैं कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही मतलब देख लीजिए समझ लीजिए इसमें मतलब रिस्टार्ट करने में कितना टाइम होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बंद कर लिया, अभी मतलब शट डाउन हो ही रहा है, ब्लैंक स्क्रीन हो गया मतलब बंद हो गया। उसके बाद मतलब देख सकते नो सिग्नल हो गया अभी। इसके बाद अभी थोड़ा देर में भी मदरबोर्ड वाला ऑप्शन आएगा, उसके बाद अभी मतलब बूट होने स्टार्ट हो जाएगा। मेरा जो है मतलब Windows 7 है, Windows 8 या 10 लगाते थे तो जल्दी फास्ट होता, और बोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरा बोर्ड जो है मतलब जो मतलब SATA केबल है वो सपोर्ट करता है 3 GPS, मतलब 6 GPS तो नहीं है, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा ये मतलब टाइम लगता है। तो फिर भी लेकिन आप देख सकते हैं ये मतलब कितना टाइम लगता है, और देख सकते हैं ये कितना जल्दी बूट ले लिया, कितना फास्ट हुआ, लगभग शायद 30 सेकंड का अंदर ही मेरा बूट ले गया। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं तो कोई एडिट वेडिट किया नहीं हूँ, जो नॉर्मल जो इसे वीडियो बनाता हूँ उसी को ही है। तो ऐसे कुछ है, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला टाइप मेरा SSD है, मतलब 512 अगर बताने से वो कंपनी कितना देता है। तो ये जो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो है वॉल्यूम डी वाला, तो इतना मतलब 512 अगर लिखता है तो टोटल स्पेस जो है इतना आपको फ्री मिलता है। तो कंपनी या मैन्युफैक्चरर से डिपेंड करता है वो कितना फ्री देता है। तो लगभग ये तो मतलब आप देख सकते हैं कितना बूट स्पीड लिया मेरा, तो उसके हिसाब से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपका अगर मतलब नॉर्मल वाला PC बोर्ड है तो इतना ही मतलब टाइम लगेगा बूट होने में, अगर आप ये SSD के थ्रू से करते हैं तो मतलब अगर थोड़ा अगर आपका 6 GPS का सपोर्ट करता है
तो हो सकता है मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब स्पीड से खुल जाए, बूट हो जाए। और बाकी रेंडरिंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें स्पीड होगा, तो ऐसे कुछ नहीं है। मतलब उसके लिए आपको प्रोसेसर और रैम वो सब मतलब ग्राफिक्स कार्ड वो सब डिपेंड करता है वीडियो रेंडरिंग फास्ट के लिए। तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।